हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन टू बी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल ऑप्शन ए बी अ फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ऑप्शन बी रिमेन अनचेंज, ऑप्शन सी इंक्रीज 2 फोल्ड, ऑप्शन डी डिक्रीज 2x। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज एटॉमिक मास। की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा एटॉमिक मास। होता क्या है, एटॉमिक मास इज बेसिकली मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय बाय क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा 1/12 the mass of a carbon 12 atom, right? हमारे पास जो एटॉमिक मास होता है इज बेसिकली मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय 1/12 मास ऑफ अ कार्बन 12 C12 एटम, राइट? मास ऑफ अ C12 कार्बन एटम, ठीक। हमसे क्या बोला, हमसे बोला कि अगर 1/12 की जगह हम लोग क्या ले रहे, 1/6 ले रहे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बाय क्या हो जाएगा, 1/6 मास ऑफ कार्बन, ठीक। अब अगर हम लोग इसको बोल दे 1, इसको बोल दे 2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक मास बाय, जो एटॉमिक मास चेंज हुआ उसको एटॉमिक मास डैश बोल देंगे, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ अ कार्बन एटम बाय मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/6 इंटू मास ऑफ अ कार्बन एटम, ठीक। ये बेसिकली हमने कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 1/6 इंटू मास ऑफ कार्बन एटम बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ऑफ कार्बन एटम बेसिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास 2, और 2 हमारा बेसिकली न्यूमरेटर में आएगा, तो एटॉमिक मास विल बी इक्वल टू 2 इंटू एटॉमिक मास डैश, या इसको लिख सकते हैं क्या, जो हमारे पास जो चेंज एटॉमिक मास आएगा वो होगा हाफ ऑफ एटॉमिक मास, राइट? तो हमसे क्या बोला था कि अगर हम कंसिडर 1/6 कर ले तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस विल क्या हो जाएगा, देखो अगर हमारे पास मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस 12 था तो वो अब कितना हो जाएगा, 6, यानी क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है ट्वाइस, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.